नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम विधानसभा चुनाव 2022 की बात कर रहे हैं। अभी कोरोना गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि घर घर संपर्क करके रैलियों से दूर रहते हुए 5 लोगों के साथ और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इस मैदान में कूदी है और उनके द्वारा पूरा समर्थन दिया जा रहा है कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घर घर संपर्क करते हुए इस चुनाव को संपन्न करवाएंगे। तो हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष भाजपा महाराजगंज, और यह घर घर संपर्क अभियान के तहत आज से इस कार्यक्रम के का शुभारम्भ कर रहे हैं। तो कितनी चुनौतियां हैं इस विधानसभा चुनाव में एक जिला अध्यक्ष के तौर पर, कितनी समस्याएं होंगी डोर टू डोर कन्विंसिंग करने में, डोर टू डोर घूमने में, और जो पहले चुनाव हुआ करते थे जो रैलियों का दौर, पोस्टर्स का दौर, बैनर्स का दौर, बड़े बड़े प्रचार अभियान जो होते थे उसमें, और इस चुनाव में कितना अंतर आएगा, इन सारे विषयों पर इनसे बात करेंगे। अभी जान लेते हैं कि किस अभियान के तहत ये क्षेत्र में है। नगर पंचायत नगर पालिका महाराजगंज के वार्डों में भ्रमण करते हुए लाभार्थियों से मिल रहे हैं। तो क्या है कार्यक्रम और किस तरह के कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज जनपद में चुनाव लड़ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चीज़ को पूछने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हम लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम का शुभारम्भ किए। पूरा कोरोना काल में जो गाइडलाइन है, चुनाव आचार संहिता का जो नियम है, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी पालन करते हुए हम इसको संपर्क अभियान कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास 2221 बूथ हैं। उस बूथ में हमारे पास 21 की हमारी बूथ समिति है, उसमें हर बूथ पर 12, 14, 16 हमारे पन्ना प्रमुख हैं। उसके हमारे 3 लोग त्रिदेव हैं, जो बूथ के महामंत्री हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और बूथ के प्रभारी हैं। ये हमारी स्ट्रक्चर पहले से इस पर हम काम कर रहे हैं बहुत पहले से, कि अपना बूथ सबसे मजबूत, हम बूथ जीतेंगे तो हम विधानसभा को जीतेंगे, इसलिए इस पर हम काम कर रहे हैं। और ये सही बात है, कोरोना काल में थोड़ी सी चुनौती तो है, लेकिन हम उसको पूर्ण रूप से महाराजन की सभी 5ों विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। अगर कहा जाए तो सबसे पहले जब चुनाव होते थे तो स्टार प्रचारकों का लिस्ट और प्रचार सूची जारी होती थी, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े स्टार आते थे चुनाव में। इस बार जनता किस तरह से देखेगी चुनाव को? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे आचार संहिता का जो हमारा रहेगा, अच्छा, चुनाव आयोग का जो निर्देश रहेगा उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। और हमारे पास भी स्टार प्रचारक यदि अगर होगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से होगा। अगर सभा और सम्मेलन करने के लिए अगर नियम मिलेगा तो हम भी करेंगे, नहीं तो नहीं किया जाएगा। जैसे जो पूरी रूप से चुनाव आचार संहिता का हम पालन करते हुए हम चुनाव को लड़ेंगे। अगर सब चुनाव में प्रत्याशी मैदान में जाते हैं तो क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है कब तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी? देखिए, हमारे यहाँ कमल का फूल प्रत्याशी हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी, जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय हुए, नरेंद्र मोदी हुए, अमित शाह जी हुए, आपको प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए, स्वतंत्र देव सिंह जी हुए, यहाँ हमारे ज़िले में माननीय सांसद पंकज चौधरी जी हैं, डॉक्टर रमापत जी हैं, बहुत हमारे बड़े नेता हैं, उन लोगों के पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बराबर विकास के मुद्दे पर, और हम कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे, किसी व्यक्ति पर नहीं, व्यक्ति विशेष। लेकिन विधानसभा चुनाव जो होता है वो प्रत्याशी का ही चुनाव होता है, चुनाव चिन्ह का तो चुनाव होता नहीं, प्रत्याशियों का चुनाव होता है। तो प्रत्याशी किस तरह से चुने जाएंगे, प्रत्याशी होंगे मार्केट में कब, चेहरे कब कौन से होंगे? देखिए, वो समय आने पर ऊपर नेतृत्व का काम है प्रत्याशी कब तक, लेकिन ये जो संपर्क अभियान हम लोग कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, न कि व्यक्ति का कर रहे हैं। तो किन किन प्रमुख योजनाओं को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, सभी लोगों का बहुत अच्छा कार्य है। हम जो आवास बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, अभी 5 लाख रुपये जो दवाई के लिए कार्ड दिए हैं उस पर दिए हैं, किसान सम्मान निधि जो दिए हैं, ये संपर्क हम करने जा रहे हैं। आपको शौचालय है, उज्ज्वला योजना है, ये सभी योजनाओं के विषय में हम जा रहे हैं, तो सभी बहुत लोग उनको स्वागत मिल रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चली और आगे भी चलती रहेगी। तो यह थी भारतीय जनता पार्टी की महाराजगंज जनपद की योजनाएँ।
अभी वर्तमान में कितनी सीटें जनपद की आपके पास हैं और किन पे ज़्यादा चुनौती है आपकी? हमारे पास अभी वर्तमान में 4 सीट है और 1 सीट नौतनवा का नहीं है, लेकिन हम 5 सीट पर जीतेंगे। हमारे पास पूरा कार्यकर्ताओं का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और कार्यकर्ताओं के बल पर सभी हम विधानसभा के चुनाव चाहे लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतती है, इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं है, 5 विधानसभा सीट हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाजपा, और इन्होंने जैसा कि दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में महाराजगंज की 5 सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी, और देखना ये होगा कि कोरोना गाइडलाइन का कितना अनुपालन करते हुए ये चुनाव लड़ा जाता है। अभी तो अधिसूचनाएं जारी हुई हैं, 4थे या 5वें चरण में मतदान यहाँ होना है, तो देखना यह होगा कि जनता किस तरह के मुद्दों पर जाती है, क्या इन बिना रैलियों का चुनाव चुनाव आयोग के इस प्रयास के बाद सफल होता है, या फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कोई और पार्टी भी इस मैदान में आती है। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के ज्वाइंट एडवेंचर में बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम ये ज्वलंत मुद्दा है आपने इस पर किया, आपको भी और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।